गाइज आप बार ही जो डस्ट रस्टेड आपका कैलिपर है इसको ओपन करने के लिए, इसको रिबिल करने की। तो इसके ओपन करने के लिए पहले आपको पूरा ही हमको सर्विस करना है और देखते हैं इसका हालत कैसा है। इसमें 8 mm के एलिंग की बोल्ट लगता है, खुल गया। तो 2 8 mm का बोल्ट आपको ओपन करना पड़ेगा। और ये बोल्ट है रस्टेड हो चुका है, इसको हमको क्लीन करना है। और ये आपका ये प्लेट निकल जाएगा, इस प्लेट को निकालने के लिए एलिंग की बोल्ट लगता है, जो कि डिस्क पैड और आप जब चेंज कर रहे हो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप डिस्क पैड चेंज करेंगे प्रोसेस सेम रहने वाला है। इसको आप इसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं हम। अच्छा बहुत ज़्यादा जाम है भाई। और ये आप देख सकते हैं पूरा रस्टेड खा गया है। ये आपका 5 mm का एलिंग की बोल्ट, तो ये आपका पूरा निकल गया। देखते हैं अभी डिस्क पैड का हालत, बोले तो इसमें लाइफ अभी बचा है, ठीक है, बट मुझे नहीं पता कब ये लगा था, तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, रिप्लेस करने वाला हूँ। तो ये आपका डिस्क पैड, और यहीं पे एक ओपन करने के बाद एक क्लिपिंग मिलेगा, क्योंकि ये क्लिपिंग इसलिए दिया रहता है, इसको हम क्लीन करने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्क पैड इसके हिस्से में ठोकर ना खाए या साउंड क्रिएट ना करें, इस हिसाब से डिस्क पैड इसलिए दिया रहता है कि खींचेंगे तो आ जाना चाहिए। आ तो रहा है बट जाम है, बहुत जाम। आजा भाई, ये आपका ये वाला हिस्से, इस रबर को हमको चेंज करना पड़ेगा, इस रबर को फेंक देते हैं और इसको हम ओपन करेंगे भाई। और ये एक रबर आता है, इसको आपको निकलेगा इस तरफ से, देखो निकलेगा। ये रबर भी लगभग ठीक है बट ख़राब हो चुका है, एक किट में नया आता है। ये वाला जो किट हम बोले था ना पहले, ये इसी का किट है, रबर किट, ओरिंग किट। तो इसको आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, फेंक दे। इन पर्पज़ आता है इस पिस्टन को निकालना, अभी रस्टेड है पिस्टन, जल्दी से निकलेगा नहीं। पिस्टन निकालने का 2 प्रोसेस है, पहले आप प्रेशर क्रिएट करो, ये पिस्टन अपने आप निकल जाएगा। और दूसरा जो प्रोसेस है इसको आपको प्लस की मदद से खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये रस्टेड है कि जाम है। तो हम पहला वाला प्रोसेस ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें ज़बरदस्ती किए तो ये जो बाहर का सर्फेस है पिस्टन होता है, स्क्रैच लग जाएगा। क्रैच लग जाएगा तो भाई यहाँ से ऑयल लीकेज हमेशा होता रहेगा, डिस्प्लेट के ऊपर हमेशा ऑयल रहेगा, तो ये दिक्कत होगा। तो हम पहला वाला प्रोसेस ट्राई करेंगे। और ये रहा पाइप, और इसके तो मैंने बेंच बोर्ड अलग से परचेज़ किए। तो पहले हम एक कॉपर का वाशर लेंगे, देख सकते हैं लगा हुआ है, ये बाहर से लगा देंगे इस तरीके से, लग गया एक कॉपर का वाशर। इसके बाद लगा दीजिए। और ये मैं बता दूँ, ये 14 mm का बोल्ट होता है। अभी हाथ से टाइट कर दीजिए नॉर्मली। अब गाइस इसको हमने यहाँ पे माउंट कर दिया है, अब इसके अंदर हम जो ऑयल है ऑयल फिल करेंगे और इसमें प्रेशर बनाएंगे। इतना काफ़ी है, प्रेशर बनाएंगे और ये जो कैलिपर, इसमें पिस्टन बाहर होना चाहिए। इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो मुझे इसमें 50-100 बार करना पड़ेगा पंप, तब इसमें पाइप में पूरा प्रेशर बनेगा। तो मैं कर रहा था, उसके बाद मैं आप इसका प्रोसेस दिखाऊंगा। पंप करने के टाइम क्या हुआ, ऑयल कम होगा, मतलब यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। इतना काफ़ी है, अब फिर से पंप करेंगे। गैस देखो मतलब 50-60 बार पंप करने के बाद ये देख सकते पिस्टन बाहर आ रहे हैं, ये पूरा हिस्सा हार्ड हो गया और देख सकते पिस्टन बाहर आ रहा है। दोनों को हमको बराबर लाना है, इसको हम प्रेस करके रखेंगे। होल्ड किया है सी क्लम्प से, अब देखो ये वाला पिस्टन बाहर आएगा। दोनों को हमको बराबर बराबर करना है, और यहाँ पे ऑयल भी थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पे पूरा ऑयल ख़त्म हो गया, और देखो गाइस ये वाला पिस्टन बाहर आ गया, देखो। अब इसे कहते हैं प्लानिंग का कमाल, कोई भी स्क्रैचेस हमने नहीं किया, बड़ी वाला 2 पिस्टन बाहर आ गया। अब ये वाला कैलिबर का हम प्रॉपर तरीके से क्लीन एंड सफाई करेंगे। सो ये पिस्टन हमारे हाथ में आ चुका है, हमने तरीका बता दिया किस तरह से आपको निकालना है। और मैं अगर आपको हालत दिखाऊं, पूरा रस्टी रस्टिंग है, इसलिए काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। और ओरिंग गाइस पूरा ख़त्म है, इसका जो ओरिंग है, और मैं आपको दिखाऊँ पूरा प्लेन हो चुका है, पूरा ख़त्म है। तो इसको मुझे सुपर क्लीन करना है प्रॉपर तरीके से, एकदम झकास तरीके से। पेट्रोल केरासिन अब यूज़ कर सकते हो, बट जो ओरिंग है
फिटिंग करने के बाद पेट्रोल ना रह जाए क्योंकि ओरिंग फूल जाएगा। सो एज ये प्रॉपर तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है और एक्चुअली मैंने इसको वाटर से क्लीन किया, वाटर और शैम्पू और डिटर्जेंट से बिल्कुल प्रॉपर जितना हो सके क्लीन कर दिया उतनी अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत सूख भी है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये तीन दो पिस्टन छोड़ के इन तीनों को हम कलर कर देंगे। हम ब्लैक कलर में करने वाले हैं, बाद में हम कलर चेंज भी कर सकते हो, तो प्रॉपर तरीके से इसको कलर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका फिटिंग प्रोसेस दिखाएंगे। सो एज ये है कैलिपर, हमने प्रॉपर क्लीन कर लिया और जो जो भी अटैचमेंट आते हैं ये सारे ये रहे तीन, और ये वगैरह बोल्ट सबको बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और ये इसका लॉक मैकेनिज्म, और ये है दो पिस्टन। इस पिस्टन का हालत ख़राब है, मैंने जस्ट शार्प किया है। ये पूरा हिस्सा क्लीन होना चाहिए, हमने क्लीन कर लिया है। ओरिंग किट जिसका प्राइस है एक्चुअली गाइज 99 रुपीज़, देख सकते हैं पार्ट नंबर देख लो। तो इसके अंदर ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आपको कैप मिलेगा जो कि ये जो कैलिपर देख रहे हैं आपका एयर रिलीजिंग इसे बोल सकते हो, तो इसके अंदर हम लगा देते हैं प्रॉपर तरीके से। ये गाइस इस तरीके से लग जाएगा। इस तरह देख सकते हैं ये लग गया और ये इसका कैप इस तरह से लग जाएगा। सबसे पहले आपको पिस्टल लेना है और इसके अंदर देख सकते हैं एक ओरिंग किट आता है, ये ओरिंग इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, न्यू वन है जो हमने परचेस कर लिया है, देख सकते हैं ये रहा, इसका हम रिप्लेस करेंगे ये नीला वाला से। ये जो ग्रुप देख रहे हैं इसके अंदर कितना डस्ट है देखिए, इस डस्ट को मस्ट भी क्लीन होना चाहिए, सुपर क्लीन। अभी क्लीन हम करेंगे तो सब कुछ क्लीन करने के बाद मिलते हैं। अब इसके असेंबलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ग्रीस लेना है और पिस्टन के ऊपर पूरा लगा देना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड चलता है तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसका काम ही कर देगा। तो जस्ट हल्का सा स्टार्टिंग में आप कर लीजिए, जितना ये काम अच्छी तरीके से आप करेंगे उतनी अच्छी तरीके से इसका परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। का जो पूरा मटेरियल है इसमें आपको प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग करना है। सबसे पहले ये वाला मोटा वाला ओरिंग लेना है, इसमें कोई भी डस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पीछे का जो ग्रुप्स है किसी में भी आप इस तरीके से लगा दीजिए, कोशिश करें हाथ से ही लगाइए क्योंकि रबर है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें लगाने का प्रोसेस देख लीजिए, पहले एक हाथ से ग्रुप में लगा घुसा दीजिए और दूसरा वाला अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। देखो इस तरीके से हुआ है और इसको हम प्रेस करेंगे ये चला जाएगा। देखिए गाइस ऑटोमेटिक बैठ गया, देख सकते हैं ऑटोमेटिक वगैरह मैंने कुछ किया ही नहीं ज़्यादा। और उसके ऊपर ग्रीस अप्लाई कर दीजिए और सेम दूसरे के साथ भी करना है, ठीक है। अब जो ब्लू वाला है उसे आप फर्स्ट में इंस्टॉल कर दीजिए
पहले वाले ग्रुप में ये भी सेम है, कुछ नहीं करना है, ये चला जाएगा ऑटोमेटिक, देख सकते हैं ये पूरा फिटिंग हो गया। और दूसरा वाला इसे भी सेम देख सकते हैं, इंस्टॉल हो गया। अब ये जो पिस्टन है ये बिल्कुल जाम नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम इसके अंदर एक बार और ग्रीसिंग कर देंगे। एक्सेस ग्रीस यूज़ ना करें, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करें, और बाकी का जो ग्रीस है वो आप निकाल लीजिए। तो पिस्टन सेम है, किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम एक पिस्टन लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, बिल्कुल स्मूथली जाएगा, ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट करें। ठीक है, आधा लगाया, पूरा नहीं किया है, क्योंकि इसको एक साथ प्रेस करना पड़ता है। देख लो गाइस, कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, लगा दीजिए इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा ताकत लेगा भाई, क्योंकि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ताकत ले रहा है। और आपको दोनों पिस्टन सेम वे में करना है, देख सकते हैं पूरा अंदर घुस गया, और ये वाला भी पूरा अंदर घुसा देना है जितना जाना है ग्रीस है, इसे आप निकाल दीजिए। ठीक है, पिस्टन इंस्टॉलेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। ये वाला क्लैंप ये पहले यहाँ पे अटैच होगा, देख लो इस तरीके से बिल्कुल बैठ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये जो दो लेग देख रहे हैं इसमें आपको ग्रीसिंग करना है, और ये प्रोसेस बिल्कुल सेम होना। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्राइंडिंग कर दिया हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे डस्ट आ गया था। बाकी जितना आप इसमें इसका स्मूथ करेंगे ये वाला कैलिपर, उतना आपको ब्रेकिंग इम्प्रूव होगा, स्मूथ आपको फीलिंग होगा कि हाँ एक ब्रेकिंग हमने अच्छा मेंटेन किया है। तो यहाँ पे हमने ग्रीसिंग कर दिया। ये वाला जो रबर है और ये गाइस चला गया, देख सकते हैं प्रॉब्लम चला गया, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, हिस्सा चला जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे घाट बना हुआ है देखे, तो इसमें चला जाएगा। देखो प्रॉब्लम से फिटिंग हो गया, इस तरीके से लेना है। ये छोटा वाला हिस्सा छोटे में जाएगा, मोटा वाला हिस्सा इस मोटे में जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए, लगा दीजिए इस तरीके से, बिल्कुल इजीली जाएगा, देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, बिल्कुल स्मूथ। और ये इंस्टॉल हो गया आपका कैलिपर, एक्चुअली इसे कहते हैं फ्लोटिंग कैलिपर्स। तो ये क्या होगा देख सकते हैं, ये ब्रेक मारने से ये इस तरीके से आगे पीछे होगा, और ये आगे पीछे बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इस तरीके से माउंट हो जाएगा। ये वाला जो कैलिपर है इसको हम इस तरह से लगा देंगे, उसके बाद हम ब्रेक पर इंस्टॉल करेंगे, तो इस तरह से फिटिंग हो जाएगा। और ये वाला जो बोल्ट है इसको ग्रीसिंग हल्का सा कर दीजिए, ज़्यादा करने ही करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम ब्रेक पैड इंस्टॉल करते हैं, कैसे ये ओरिजिनल ब्रेक पैड्स देख सकते हैं कितना मोटा है और प्रॉपर तरीके से। तो ब्रेक पैड इंस्टॉल करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा अब इस ग्रीस का अच्छे तरीके से यूज़ करें, अदरवाइज ब्रेक पैड जाम करेगा। तो ये वाला जो बोल्ट देख, लंबा बोल्ट, इसमें प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ही ब्रेक पैड स्लाइड करता है। ये जो ग्रूव है ये उठा वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, इसमें आप फंसा दीजिए और यहाँ पर स्लाइड कर दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे इस ग्रूव में बैठ गया, देखो। ठीक है, अब दूसरा वाला ब्रेक पैड लेना है, ये भी सेम है, इस तरीके से करना है और ये इस ग्रूव में बैठ जाएगा, देखो देखो ग्रूव में बैठ गया, स्लाइड कर रहा है। अब इसके बीच में ये वाला जब रॉड देख रहे हैं, अब इसको फंसाना है।
और इसे प्रेस करके ऐसे 8 mm के लिंक की बोल्ट जो कि इस तरह से बोल्ट ऐड कर दीजिए, तो आपका कैलिबर का फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल न्यू हो जाएगा। इसे आप फुल टाइट कर दीजिए इसे। और आपका पूरा कैलिपर बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। और उससे पहले आप इस ब्रेक पैड को एक बार देख लें चेक करके कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, स्मूव हो रहा है। और ये वाला जो आपका रिलीजिंग बोल्ट है, ये वाला इसका जो होल है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसको हमने न्यू परचेस किया है, ₹19 इसका MRP है, तो उसे हम लगा देंगे ये वाला इसमें। और इसमें आपका वो पाइप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे। इसको लूज रखें क्योंकि जब हम ब्रेक ब्रीडिंग करेंगे माउंट करने के बाद तब इसका ओपन करने का ज़रूरत, अगर यार रह गया तो यहाँ पे जस्ट नॉर्मल टाइट कर दीजिए, हाथ से ही टाइट कर दीजिए। और यहाँ से इसे आप ओपन भी कर सकते हो, डस्ट अगर ना जाए तो। इसके लिए ये टेंटेड एंड आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, मैंने ब्लैक चूज़ किया। तो आपका कैलिपर बिल्कुल ओल्ड था, सेकेंड परचेज किया था हमने, न्यू कर दिया है बहुत सस्ते में।